मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द क्लास इन योर सेकेंडरी स्कूल अपने क्लास 9 अपन ने सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो आप बीच में लगा था, तो आगे करते हैं उसको। अपन को क्या निकालना है, राइट फोर सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग, चार सॉल्यूशन निकाल ले इसके, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2x = 7 - 1, y = 7 - 2x, ये प्लस का 2x इस साइड आया था, इसका हो गया माइनस का। अब इसका बना लेते हैं अपन बॉक्स तैयार कर लेते हैं। और सॉल्यूशन मैंने ये लो, और सॉल्यूशन हो गए, कैसे हो गया देखो, इफ x इक्वल्स टू 0, x की जगह मैंने क्या लिया 0, देन अपने पास बचा y इक्वल्स टू 7 - 2 × 0, तो ये तो गया 0 और 7 - 0, तो y बराबर आ गया 7, ठीक है। अब अपन ने 0 लिया तो y कितना आया 7, समझ आ गया सबके, x की जगह अपन ने क्या लिखा 0, 2 × 0 क्या हो गया 0 और 7 - 0 7, ये हो गया एक सॉल्यूशन। अब मान लो अपन ने लिखा कि ये तो मैंने लिख के बता दिया, अब देखो सपोज अपन लिख रहे हैं 1, x की जगह अपन ने क्या लिखा 1, 2 बन जा 2, 7 - 2 5 आ गया। अब देखो अपन ने यहां पे लिखा सपोज 2, तो ये क्या हो गया 2 + 4 और 7 - 4 कितने बचे 3, ठीक है। सपोज अपन ने लिखा यहाँ पे 3, तो 3 + 6, 7 में से 6 गया 1, ये अपने चार सॉल्यूशन आ गए। और भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, बहुत सारे इंफिनिटिव मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन में पूछा फोर सॉल्यूशन लिखो, तो फोर सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। ऐसे ही अपना मान लो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको अपन लिख सकते हैं y = 9 - πx, ठीक है। इसके भी चार सॉल्यूशन निकाल लें, चार सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। सपोज फर्स्ट बता देता हूं, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 1, x की जगह क्या लिया अपन ने 1 लिया, ठीक है, तो y बराबर आएगा अपने पास 9 - π × 1, तो 9 - π हो गया, π को 1 से करेंगे तो 5, तो y बराबर क्या आया 9 - π। अपन ने x बराबर लिया 1, x की वैल्यू अपन ने 1 लिखी यहाँ पे, ठीक है, तो अपने पास y की वैल्यू क्या आई 9 - π, आया समझे, ठीक है। अगर x की वैल्यू अपन लेते हैं मान लो 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 9 - 0 9, और अगर मान लो अपन लेते हैं 2, तो ये हो गया 2π, 9 - 2π, ये हो गया 9 - 2π, और मान लो 3 लेते हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा 9 - 3π, ये चार सॉल्यूशन हो गए अपने पास, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने 2 लिया तो आप 2 भी लो, आप 5 4 जो भी आपकी इच्छा है वो ले सकते हैं, ठीक है। चार सॉल्यूशन हो गए, ऐसे इसके चार सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे सपोज अपन ने लिया y = 2 लिया, देन x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 2, तो x बराबर आ गया 8, अपन ने x बराबर y बराबर लिया था, सॉरी अपन ने क्या लिया था y की जगह क्या लिया था, ठीक है, इसमें x लिया है, इसमें भी x लिया है, अब इसमें y लिया है अपन ने, y की जगह क्या लिया 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 8, ठीक है। अगर y की वैल्यू अपन लेते हैं 1, तो x कितना आएगा 4, अगर y की वैल्यू अपन लेते हैं 0, तो x कितना आएगा 0, ठीक है।
और x की वैल्यू अगर लेते हैं अपन 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी y की वैल्यू 3 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12। या क्या सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना, लिखो इसको। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट, कौन सी अपने पास चार ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। x y की वैल्यू दी गई सब में, ये x की वैल्यू ये y, जो पहले वैल्यू थी बॉक्स की बाद में y की, तो x y की वैल्यू दी हुई है सब में, तो अपन को चेक करना है कौन सा सॉल्यूशन सही है और कौन सा सॉल्यूशन गलत है, इनमें से कौन कौन से सही है वो अपन को चेक करने है, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे, मान लो ये अपने पास इक्वेशन दी हुई है x - 2y = 4, इसका मतलब x और y की वैल्यू पुट करने पे अपने पास आंसर क्या आना चाहिए 4। अगर 4 आंसर आ रहा है तब तो इक्वेशन ये वैल्यू सही है उस इक्वेशन की, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और अगर आंसर 4 नहीं आएगा इसका मतलब जो वैल्यू लिखी है अपन ने वो क्या है गलत है, वो अपन चेक करते हैं। x की जगह अपन ने लिखा 0, ठीक है, फर्स्ट वाला चेक किया अपन ने, अपन ने लिखा 0 - 2 * 2 = 4, तो 0 - 4 = 4, तो आंसर है - 4 = 4 और ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, फर्स्ट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट इज 0, 2 इज नॉट सॉल्यूशन x - 2y = 4, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसे सारे करने हैं आपको, ये भी ये भी ये भी, अभी मैं बता तो देता हूं, देखो 2 और 0, 2 लिखेंगे यहां पे 2 - 2 * 0 तो ये तो 0 हो गया, 2 बचा, 2 4 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये भी क्या है 2, 0 भी x - 2y = 4 का सॉल्यूशन है नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं 4, 0 x की जगह लिखा 4, यहां पे लिखा 0, तो 0 ये तो 0 हो गया, 4 = 4, इसका मतलब 4, 0 क्या है x - 2y = 4 का सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो जाएगा यस, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना आपको पूरा और फिर लिखना है 4, 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4, इस लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है ये, इसका सॉल्यूशन है कौन सा 4, 0, ठीक है। थर्ड में यस हो जाएगा, 4 में चेक करते हैं, 4 में यहां पे आया √2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया 9, ठीक है, ये सॉल्यूशन भी क्या हो गया 9, ये भी इसका सॉल्यूशन है नहीं है। अब ये चेक करते हैं 1 - 2, 1 - 2, ये भी इसका सॉल्यूशन है नहीं है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, केवल थर्ड है, थर्ड इज द सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 0, ठीक है, समझ में आ गया, सके लिख लो इसको। Find the value of k if x equals to 2y equals to 1 दिया हुआ अपन को, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन अपन को k की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू दी हुई है, सिंपल सा है, x और y की वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x y की जगह की वैल्यू पुट कर देंगे और k की वैल्यू आ जाएगी, तो कैसे आएगी, ये दिया हुआ अपन को 2x + 3y = k, x की जगह क्या लिखना है अपन को और y की जगह क्या लिखना है 1, तो 2 = 4, 3 = 3 = k, और 4 3 कितने हो गए 7,
तो k बराबर आ गया आपके पास 7, ठीक है। k की वैल्यू निकाल ली थी, k की वैल्यू आ गई 7, समझ में आ गई बात। एक्सरसाइज 4.2 हो गई अपना, 4.3 करेंगे अपन कल, ठीक है, लिख लो इसको।